हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल प्रोसेस में बता रहा हूँ, डिस्कस करेंगे। ट्रेन का कंट्रोल वायरिंग इतना आसान तरीके से प्रैक्टिकल में मैं बताएंगे, आप लोग कोई भी आदमी आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में, लाइव प्रैक्टिकल में मैं वायरिंग करके आप लोग को बोलना चाह रहा था। ओके, अभी इसमें देखो, सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल चैनल में आज ट्रेन का कंट्रोलिंग वाइज सिंपल वायरिंग अपन डिस्कस करेंगे। अब तक मेरा चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बिफोर गोइंग टू टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी टॉपिक में जा रहे हैं ट्रेन का कंट्रोल सर्किट के बारे में। ट्रेन का कंट्रोल सर्किट के बारे में मैं इसमें दो कंडक्टर लिया हूँ, एक ये है एक ये है। तृतीय पार्ट में दो कंडक्टर लिया हूँ, एक टाइमर लिया हूँ, नेक्स्ट एक कंडक्टर लिया हूँ। उसके बाद दो पुश बटन डाल दिया, जो मास्टर कंट्रोलर से ऑपरेट करना उसमें मैं पुश बटन डाल दिया। ओके, अभी इसमें क्या है, 110 का सप्लाई की जरूरत पड़ता है। 110 का सप्लाई को घुमाना है सिंपल प्रोसेस में। पहले क्या किया हूँ, एक न्यूट्रल वायर को सबको लूपिंग कर दिया, देखिएगा न्यूट्रल वायर ब्लैक वायर को लूपिंग करके अपना MCB में दे दिया, टू पोल MCB में। खाली फेज को घुमाना है, फेज लेके आया हूँ, यहाँ से लेके अपना NC सर्किट में गया, NC सर्किट से होके फॉरवर्ड में गया, रिवर्स में गया। उसके बाद मैं क्या किया, सिंपल प्रोसेस में इंटरलॉकिंग पर पहले कर दिया, इसका NC से होके एक कंडक्टर चालू हो जाएगा, इसका कंडक्टर NC से होके एक कंडक्टर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये दो जो रिवर्स फॉरवर्ड का जो पुश बटन है उसका आउटपुट, इनपुट तो सबको कम कर दिया फेज को, आउटपुट जो निकाल के एक NC का एक रिवर्स का एक गया, फॉरवर्ड का गया, तो दोनों NC में दे दिया। ओके, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेके दोनों NC में दे दिया। यहाँ तक अपना तो कंडक्टर ऑन करने का कहानी खत्म। अब क्या करना, रेजिस्टेंस चालू करना। रेजिस्टेंस चालू करने के लिए मेन कंडक्टर ऑन होके उसके बाद ये अपने को टाइमर ऑन होके अपने को ये कंडक्टर ऑन होता, उसके लिए क्या करना है, अभी पहले जो फेस आया है उसको चालू बंद का रिवर्स फॉरवर्ड का उससे कोई लिंक नहीं है। खाली रेसिस्टेंस चालू करने के लिए अपने को फेस का ज़रूरत पड़ता है करके, यहाँ से जो मेन फेस आया मेन फेस को ले लिया हूँ, कंडक्टर NO का दोनों को लूपिंग मार दिया, नीचे भी लूपिंग किया, ऊपर एक फेज गया, ऊपर एक फेज गया, नीचे भी, नीचे से जो फेज आया वो आएगा सीधा टाइमर, फिर टाइमर से लूप हो जाएगा NO में। ये जब NO NC हो जाएगा अपने को मेन कंडक्टर ऑन हो जाएगा इतना टाइमिंग में। ओके, अभी यही प्रोसेस है, सिंपल में मैं समझाया हूँ आप लोग का। अभी इसको वायरिंग ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा करके। अब अपन चालू करेंगे, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे होता है। ओके, अब MCB से चालू कर रहा हूँ मैं, MCB चालू कर दिया, अभी यहाँ पर सप्लाई आ गया 110, देखो 110 सप्लाई तो आ गया, 110 सप्लाई का आ गए, NC होके ये सब हो गया। आप ये ऑपरेट करके चेक करेंगे, अभी पहले रिवर्स का कंडक्टर ऑन करेंगे, देखो चालू हो गया, इतना मैं ये स्विच कर दिया हूँ टाइमर को, इसलिए तुरंत चालू हो जा रहा है। अब थोड़ा इसको स्लो करेंगे, स्लो करेंगे तो टाइमर में क्या होगा, जैसे कंडक्टर चालू होगा ऐसे थोड़ी देर में ये चालू होगा, और थोड़ा इसको स्लो करेंगे। देखिए थोड़ा टाइम लिया आगे, ये मेरा ड्रीम था अच्छे से कंट्रोलिंग वायरिंग सिंपल में बनाने का प्रोसेस था, अभी मैं कर दिया हूँ। देखो थोड़ी देर और स्लो करेंगे टाइमर को, तो 110 ने कहीं साफ नहीं मारेगा, इतना डालने का जरूरत नहीं है। ये देखिए थोड़ा टाइम लिया, आउट टाइम लिया। ओके, ये हो गया रिवर्स, अब फॉरवर्ड में भी होगा कि नहीं होगा चेक करेंगे। देखिए फॉरवर्ड में भी हो रहा है, कंडक्टर चालू होगा थोड़ी देर चालू होगा, ऐसा दूसरा कंडक्टर दूसरा टाइमर भी चालू करना, इसका NO ले लेना, इसका NO लेके इसका लूपिंग मार के जब ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा NO का टाइमर हो जाएगा, टाइमर जब चालू हो जाएगा
उसको थोड़ा टाइमिंग ले लेना, फिर दूसरा कंडक्टर चालू कर देना, उसके बाद तीसरा को चालू करना, सेम प्रोसेस है। इसका एनवो से लेके टाइमर में दे देना, टाइमर से एनवो से लेके अपना को कंडक्टर में दे देना, सब चीज़ ऐसा सीरियल। आप 4 लगाओ 5 लगाओ 6 लगाओ, एक कंडक्टर लगा के आप लोग को सिंपल तरीके से मैं बताया। मास्टर कंट्रोलर में क्या है, NONC रहता है, खाली NO ही रहता है, मतलब जैसे दबाओगे कंट्रोल वो NO हो जाएगा, इसको पकड़ के रहेगा तो NO हो गया, NONC बन गया, फिर निकाल देगा फिर NO हो जाएगा। ओके, यही प्रोसेस है, हम लोग सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। फॉरवर्ड भी कर दिया, रिवर्स में भी दिखाया, फॉरवर्ड में भी तो थोड़ा टाइम लेके स्लो हो जा रहा है, रिवर्स में भी कंडक्टर चालू हो जा रहा है। और ज़्यादा स्लो करेंगे, और ज़्यादा स्लो करेंगे तो और ज़्यादा लेट का होगा। देख, अब चालू किया, बहुत देर के बाद कंडक्टर चालू होगा, बहुत जोर, क्योंकि बहुत स्पीड बहुत स्लो कर दिया, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी इतना टाइम नहीं देना है कभी भी, थोड़ा सा चालू हुआ 2 सेकेंड 3 सेकेंड तुरंत कंडक्टर ऑपरेट हो जाना, ऐसा करो, ठीक है ना। अब ये जैसे इसमें जो टाइमिंग दे दिया मैं जितना सकता और टाइम दिया, इतना टाइम तो लेना नहीं है, थोड़ा फास्ट कर देना, देखो बस। अब देखिएगा चालू हो गया, देखो, ओके ना। आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो, वीडियो लंबा हो जा रहा करके मैं अभी इतना डिटेल तो बताया हूँ। अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है इस चीज़ में, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा क्या है। आप लोग ट्रेन के बारे में कैंसिल लेना ही नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेन के बारे में जान लिया तो कहीं भी 30,000 कहीं भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं इतना सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बताने का इतना मेहनत करके बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से मैं सिंपल कंडक्टर लगा के, पुश बटन लगा के, टाइमर लगा के, कंडक्टर लगा के आप लोग को बोल दिया हूँ। आप लोग आए, आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ओके, अब तक मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, और अच्छे वीडियो से अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।